बाबू भैया की टीम वोट खरीद रही है, ये मैं सीधा सीधा इल्ज़ाम जो है, इल्ज़ाम नहीं, सीधा सीधी बात जो है उनके मुंह पे बोलती हूँ। क्या हो गया ऐसा बाबू भैया की टीम ने और बाबू भैया ने क्या कर दिया? इस हफ्ते की जो कि क्वीन एंड किंग का कंपटीशन चल रहा था, उसके विनर बन चुके हैं बाबू भैया, बीबी किंग ऑफ द वीक। कौन? बाबू भैया, यानी कि अनुराग, UK 07, क्या क्या नाम है भाई। तो मैंने ना एक चीज़ नोटिस की, तो आप लोगों को भी वो नोटिस करवा देती हूँ। क्या आप लोगों को लगता है कि बाबू भैया घर में कुछ कर रहा है जिसके मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाएं लोग, हर जगह पर कंपटीशन में जिताते रहें जिताते रहें? आप लोगों को लगता है तो मुझे बताओ कि भाई हाँ यार, वो बहुत बढ़िया कर रहा है, क्या मालूम मेरी आंखों में पट्टी बंध गई हो जब बाबू भैया कुछ करता है। मुझे तो वो कुछ करता करता हुआ दिखाई देता नहीं, उसका खुद का स्टैंड नहीं है और कुछ भी वो करता नहीं है। उसके पत्ते वो खोलने की बात करता है, उसके तो पत्ते बिछ गए हैं, खुले नहीं हैं। बाबू भैया जिस तरीके से अभी इस हफ्ते का किंग बना है, जहाँ पर भी मेकर्स कोई भी सवाल या कुछ भी ऐसी चीज़ पूछते हैं तो वहाँ पर बाबू भैया का जिक्र तक नहीं होता है। कभी भी मतलब कि बॉस ऑफ द वीक बनना हो, फर्स्ट जब इनका नाम आता था वहाँ पर बॉस ऑफ द वीक बन जाते हैं, और जब किंग की बारी आई तो किंग बन जाते हैं, बीबी किंग बन जाते हैं इस हफ्ते के। मैं नहीं बोलती कि वोट नहीं आए ज़्यादा, हैशटैग इनका बीबी किंग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, पर ये वोट है, ये खरीदे गए हैशटैग्स है जो इनकी टीम जो है वो कर रही है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा करवा रहे। नहीं तो क्रेज़ भाई सोशल मीडिया पर दिखता ना क्रेज़। ऐसा क्या कि कंपटीशन में जाके बाबू भैया के फैंस जो है वो जिता रहे हैं? और वैसे मैं वो पूछना चाहती हूँ मुनावर के फैंस को, मैंने बोला था आप लोगों को कि मुनावर कहीं पर भी रहेगा आपको उसको विन करवाना है, तो आप लोग कहाँ पर सोए रहे हो? आप लोग क्यों मुनावर को विन नहीं करवाया? मुनावर है किंग, ये अनुराग तो भाई मेरी नजर में नहीं है किंग। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।